नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 69वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पहली बार भरतपुर में आयोजित किया गया, जहां 24 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। वहीं देश के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य ने सांस्कृतिक परंपरा और सांस्कृतिक सतरंगी छटा को भी जीवित कर दिया। भरतपुर में पहली बार हुए राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने परेड की सलामी ली। परेड कमांडर मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में परेड की गई। परेड में सबसे आगे हार्डी रानी बटालियन ने हिस्सा लिया। इसके बाद उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए सेवानिवृत्त महानिरीक्षक पुलिस सुरक्षा गुरचरण राय, सेवानिवृत्त प्लाटून कमांडर 4वीं बटालियन आरएसी चैनपुरा सुंदाराम को सम्मानित किया गया। लीडिंग फायरमैन आत्माराम, सेक्टर वार्डन यूनुस खान को राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। एटीएस उप महानिरीक्षक विकास कुमार और पुष्पेंद्र सिंह को पिस्टल में प्रशंसा पत्र दिया गया। विकास कुमार की इंदिरा बिश्नोई को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं पुष्पेंद्र सिंह ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा पर्ची वाले का भंडाफोड़ किया था। बूंदी निरीक्षक कनीज फातिमा और वीरम देव को वैश्यावृत्ति का मामला उजागर करने को लेकर प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एमडी सुषमा अरोड़ा को योग्यता प्रमाण पत्र दिया गया। सुषमा अरोड़ा ने बीजों की अनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण किया था, जिसके चलते बीज निगम को 23 करोड़ का फायदा हुआ। वहीं पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह, डॉक्टर संदीप माथुर, पवन सिंघल, निधि मेहता को भी योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विश्व बैंक की रिपोर्ट पर काम करने को लेकर प्रवीण कुमार झा, डिजिटल राजस्थान के लिए ज्योति लुहाड़िया, बीएस जाटवा और डीसी राखेचा को जीएसटी में योगदान के लिए, पेयजल व्यवस्था के लिए जालेंद्र चरण को, संजय गांधी को शहीद सम्मान यात्रा के लिए योग्यता प्रमाण पत्र दिया गया। एयर लिफ्टिंग में सहयोग के लिए नरेंद्र कुमार, सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन के लिए के गुप्ता, जीएबी के गोपनीय कार्य के लिए विजय कटारिया, विद्युत चोरी रोकने के लिए जयकिशन सोनी और सब स्टेशन परियोजना में क्रियान्वयन के लिए विश्वास अनिल काबे को योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पुलिस कर्मियों सहित 24 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। पुरस्कारों के बाद लंगा मंगलियार लोक कलाकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। इसके बाद बरसाने की नृत्य प्रस्तुति हुई और राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के लोक कलाकारों ने भी समा बांधा। समारोह में सबसे आकर्षण का केंद्र रही आर्मी बैंड की प्रस्तुति। सेंट्रल बैंक की प्रस्तुति को सीएम वसुंधरा राजे ने भी तालियां बजाकर सराहा। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गणमान्य लोगों के जाने के बाद परेड में प्रथम आई हार्डी रानी महिला बटालियन को पुरस्कृत किया गया। मनोज शर्मा, नरेश शर्मा के साथ ऋतुराज शर्मा, जी मीडिया, भरतपुर।